पार्टी 17 तारीख को संडे को गोहाना में खुटापाट रैली कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। ये बीजेपी का खुटापाट रहने के लिए रैली की जा रही है, जातिवाद का खुटापाट रहने के लिए रैली की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के अंदर बीजेपी में और माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब में घमंड आ गया है, तो उसका घमंड तोड़ना जरूरी है। क्योंकि एक अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बुजुर्गों को, एक महिला और पुरुष को, बुजुर्गों को मतलब धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, जब तुम्हारे को अंदर करवा दूंगा, अरे उनकी समस्या उनका समाधान कर रहे हो ना। तो मुख्यमंत्री में दुर्योधन की तरह घमंड हो गया है और इसको घमंड को जनता तोड़ेगी। और गोहाना में आकर देख लेंगे किस तरह से बिना पैसेंजर कैसे रैलियां की जाती है। मुख्यमंत्री की खुद वहां पर रैली हुई थी। तो आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक विकल्प के रूप में के मतलब एक युद्ध की शुरुआत आम आदमी पार्टी गोहाना से करेगी। लेकिन एक आपके गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी जेजेपी के साथ, क्या कहीं पे कोई पेच उलझ गया है क्या सीटों के बंटवारे को लेकर, जो उसकी घोषणा नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए वो कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, हरियाणा के लोगों से बीच में जाकर फीडबैक लिया जा रहा है, उसके बाद ही कोई चीज तय होगी। लेकिन ये इतना जरूर है कि सीबीआई के अलावा सबसे खुले दिल से, खुले मन से बात करने के लिए तैयार है और बातचीत की जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हरियाणा के अंदर मुद्दे जरूरी हैं और मुद्दे जिस तरह से ये सरकार है, किसी की सोच नहीं रही है, सिर्फ जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो इसको जवाब देने के लिए खुटापाट रही है। और इसके अलावा जो हजारों एकड़ जमीन अभी फसल बर्बाद हुई है ओलावृष्टि से, तो हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं खट्टर साहब से कि दिल्ली में केजरीवाल साहब 20,000 रूपये किला मुआवजा दे सकता है, तो खट्टर साहब आप भी 20,000 मुआवजा दे दीजिए ना किला। इतने ज्यादा ओले पड़े हैं, उसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, तो तुरंत उनकी गिरदावरी करवा के तुरंत उनका मुआवजा अनाउंस किया जाए। देखिए जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग दोनों वो हाथ जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने, और वो हाथ जोड़ रहे हैं उसके बावजूद मुख्यमंत्री इस तरह कर रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जो व्यवहार कर रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए इस चीज की, क्योंकि जिस तरह की वो वीडियो है वो बहुत ही इस तरह की, आप जो वीडियो है आप ये वीडियो आप देख सकते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है? आम आदमी पार्टी 17 तारीख को संडे को गोहाना में खुटापाट रैली कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। ये बीजेपी का खुटापाट रहने के लिए रैली की जा रही है, जातिवाद का खुटापाट रहने के लिए रैली की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के अंदर बीजेपी में और माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब में घमंड आ गया है, तो उसका घमंड तोड़ना जरूरी है। क्योंकि एक अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बुजुर्गों को, एक महिला और पुरुष को, बुजुर्गों को मतलब धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, जब तुम्हारे को अंदर करवा दूंगा, अरे उनकी समस्या उनका समाधान कर रहे हो ना। तो मुख्यमंत्री में दुर्योधन की तरह घमंड हो गया है और इसको घमंड को जनता तोड़ेगी। और गोहाना में आकर देख लेंगे किस तरह से बिना पैसेंजर कैसे रैलियां की जाती है। मुख्यमंत्री की खुद वहां पर रैली हुई थी। तो आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक विकल्प के रूप में के मतलब एक युद्ध की शुरुआत आम आदमी पार्टी गोहाना से करेगी। लेकिन एक आपके गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी जेजेपी के साथ, क्या कहीं पे कोई पेच उलझ गया है क्या सीटों के बंटवारे को लेकर, जो उसकी घोषणा नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए वो कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, हरियाणा के लोगों से बीच में जाकर फीडबैक लिया जा रहा है, उसके बाद ही कोई चीज तय होगी। लेकिन ये इतना जरूर है कि सीबीआई के अलावा सबसे खुले दिल से, खुले मन से बात करने के लिए तैयार है और बातचीत की जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हरियाणा के अंदर मुद्दे जरूरी हैं और मुद्दे जिस तरह से ये सरकार है, किसी की सोच नहीं रही है, सिर्फ जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो इसको जवाब देने के लिए खुटापाट रैली। और इसके अलावा जो हजारों एकड़ जमीन अभी फसल बर्बाद हुई है